बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, प्यार मोहब्बत का। आप सब अल्लाह ताला तबीयत रहो और बेहतर हो जाए तो फिर कल इंशाल्लाह ताला वॉश करूंगा। इसे का खाना शुरू कर दिया इन्होंने, ये देखिए अपना उधर से खा लिया, अब वहां से निकल पानी मैंने रख दिया बर्तन धो के, बिल्कुल बताया था हमारा ये आपको पता 2 बच्चे थे, एक बच्चा कल एक्सपायर हो गया। दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू आवर पेट सेटअप। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाई बहनों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है और माशाल्लाह हमारे जानवर भी सारे माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं। और बहुत 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 शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, प्यार मोहब्बत का। आप सब ने कमेंट्स किए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, बहुत शुक्रिया। एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम हम सब मुसलमान बहन भाई हैं। तो आए अंदर चलते हैं और अंदर चल के इनको दाना चना खाना चना डालते हैं और अंदर आपको आपकी आज की डिटेल अपडेट करते हैं। चलते हैं अब अंदर और अंदर जाके आपको अपडेट देते हैं। आज ऊपर ऊपर से सफाई की है, वॉश नहीं किया, कल करूँगा इंशाल्लाह ताला तबीयत रहो बेहतर हो जाए तो फिर कल इंशाल्लाह ताला वॉश करूँगा। यहाँ पे इनको मैंने चारा डाला था और ये देखिए चटन भी कर गए हैं। ये लूसन जो ना बड़ा खुश होकर खाते हैं, बड़ी स्पीड से इन्होंने ख़त्म किया और ख़त्म करके अब कुछ उधर दाने के पास चले गए हैं और कुछ इनके नीचे आके इनके हिस्से का खाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखिए अपना उधर से खा लिया, अब वहाँ से निकल के उधर से आके दाना खा रहा है, कोई इधर बैठ के ये खा रहा है। इस फैमिली को मैंने वहाँ पे कोली में दाना डाल दिया, वो बासी पड़ी हुई है क्योंकि इस फैमिली की यहाँ पर लड़ाई बड़ी होती है, तो इनको दाना मैंने उधर डाल दिया। वो देखिए वहाँ पर खा रहे हैं सारे, ये बाकी सारे यहाँ पे खा रहे हैं। ये यहाँ पे खा रहा है, वो हमारी कबूतरी वहाँ पे नीचे खा रही है। अब एक वहाँ पे डाला है, दूसरी ये जगह है, तीसरी ये जगह है, चौथी वो लगा वहाँ पे खा रहा है और 2 कोलियाँ ये लगाई हुई हैं। मतलब इतना कुछ लगाने के बावजूद अगर इनकी लड़ाइयाँ ना ख़त्म हों तो फिर क्या किया जा सकता। रात बहुत तेज़ तूफान था और हवा थी बहुत तेज़ और बारिश भी थी साथ बहुत तेज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब अंदर सेफ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ और किसी जानवर का कोई मसला नहीं बना। कल एक सैड न्यूज़ थी हमारा, ये आपको पता 2 बच्चे थे, एक बच्चा कल एक्सपायर हो गया, वो कमज़ोर था, वो जो ब्राउन वाला था जो अपनी माँ पे था, ये बाप पे है, जो वाइट वाला ये माशाल्लाह से ठीक है। वो कल ही जब मैं वीडियो बनाने आया था ना सुबह, तो मुझे लग रहा था उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो बेचारा जो ना वो एक्सपायर हो गया था कल। फिर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं बच्चे, ये भी बच्चा ठीक है माशाल्लाह से, ये बच्चा भी इधर ठीक है माशाल्लाह से, लेकिन ये भी कमज़ोर है क्योंकि इसको प्रॉपर फीड नहीं मिलती, तो अभी इसको साथ में भी फीड दूँगा ताकि ये रिकवर कर सके। वैसे बच्चा एक्टिव है ये माशाल्लाह से, वैसे बच्चा ही एक्टिव है, लेकिन क्योंकि माँ ने नवे नए अंडे दे दिए हुए हैं उन पे वो बैठ गई है, और इसे हमारी कबूतरी ने भी अंडे दे दिए नए। ये इसका पहला बच्चा, लेकिन ये इसको फीड करवा रहे हैं और यहाँ पे इसने नए अंडे दे दिए हैं, और यहाँ पे भी किसी कबूतरी ने एक अंडा दिया हुआ, वो आके बैठेगी तो पता चलेगा ये किसने दिया। ये देखें ये सारा चटम करके, तो अब सारे इधर इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, और जो ऊपर से खा रहे हैं जो नीचे गिरता है वो देखे ना चोंच से फेंकते नीचे, इनकी पता नहीं क्यों चीज़ें सारी खाने वाली हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये ना खाते हों, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कुछ खाना है कुछ फेंकना है, और जो फेंकना है वो नीचे फिर वो रैबिट्स खाते हैं। अभी मैं पानी डाल दूँ, ये पानी ढूँढ रहा है, पानी का बर्तन अभी बाहर पड़ा हुआ है, मैं पानी भर के डाल दूँ इनको। पानी मैंने रख दिया बर्तन धो के, इनको बताया था कि इनको प्यास लगी हुई है, ये सारे पानी पीने के लिए आ रहे हैं। ये साइडों पे ईंटें इसलिए रखी हैं क्योंकि ये टर्की जो उनसे ना ये पानी गिरा देते हैं, ये पानी के अंदर खड़े होते हैं और जब खड़े होते हैं तो वो फिर इसका बैलेंस आउट होता है, वो सारा पानी गिर जाता है और फिर पानी होता नहीं इनके पास,
तो साइडों पे ईंटें इसलिए रखी हैं कि अब पानी गिरेगा नहीं। शायद इनको पता नहीं क्या मसला है कि ये इसके अंदर आके ना पानी के अंदर खड़े रहते हैं काफ़ी देर, अपने पैर ठंडे करने के लिए शायद ये, या क्या करने के लिए, लेकिन सब बारी बारी आके पानी पी रहे हैं। वो जो बच्चा बाहर नया आया ना, वो नए नहीं, उसने फ्लाइंग शुरू की है, तो बड़ा अब उड़ता है अंदर, बाजियां लगाता है, बड़ा खुश होता है। कुछ नहीं हुआ, हवा से वो गिरा है, बाहर वो गिरा है तो उसकी हवा से सारी डर गई है। तरकी के काम चेक करें, पानी पैर ठंडे करते हैं ये शायद पानी में खड़े होके। मैं अक्सर इन्हें देखता हूँ, ये तरकी जन से ना पानी के अंदर खड़े होते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए कोशिश करते हैं बनाने की। और वो पीछे जंग चल रही है, आपके लिए कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दिया करें, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके कमेंट्स जरूर रीड करके आप सबको रिप्लाई भी करूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह कल दोस्तों, एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ। अपने भाई को इजाजत दें, अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो, अल्लाह पाक हम सबके जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।